हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास में एक ओप्पो का फ़ोन है और मैं इसका फोल्डर यहाँ से रिमूव करूँगा फ़ोन पर से। तो इसके लिए मुझे ये जो मशीन होती है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वैक्यूम एलसीडी सेपरेटर मशीन इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ बैक साइड में इसका ऑन ऑफ स्विच का बटन होता है, तो यहाँ से मैंने इसको ऑन किया और ऑन करने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ। ऑन करने के बाद में ये देखिए, यहाँ पर ये ऑटोमेटिक हीट होती है और ऑटोमेटिक टाइमिंग इसकी बढ़ती रहेगी और ये जब 11 पे आ जाएगी, अब ये देखिए 3 है, जब 11 पे आ जाएगी ना तो ये मशीन पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी और फ़ोन को भी हमारे गर्म कर देगी। और जब ये फ़ोन हमारा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इस फ़ोन को हटाकर और इस पे से डिस्प्ले निकाल सकते हैं। तो बस इसकी ये टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखना है, जब तक ये पूरी तरीके से गर्म नहीं हो जाए जब तक हमें इसका वेट करना है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, इतनी हीट हो चुकी है कि अब हम इस पे से आराम से फोल्डर को निकाल सकते हैं। और निकालते वक्त हम इसको बंद भी कर देंगे फोन को, पीछे से मशीन को, सॉरी। और इस तरीके का मेरे पास में एक ये प्लास्टिक का पेपर होता है, तो इस पेपर को हम इसके अंदर ये डालेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये फोल्डर बिल्कुल बाहर आ गया है। पीछे से हम ये फ्लेक्स भी निकालेंगे और इस तरीके से हम इसको आराम से फोल्डर को और बोर्ड को, दोनों चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं इस मशीन के ज़रिए से। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें फोल्डर अगर सही भी होता है तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं फोल्डर को, और टूटे हुए तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। पर ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि ताकि फ़ोन जो है, अगर कभी सही फोल्डर उतारने की ज़रूरत पड़ जाए आपको, तो सही फोल्डर भी आप तरीके से उतार सकें इसको। तो चलिए दोस्तों, बस मुझे यही जानकारी देनी थी इस वीडियो में, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।